चाहें जितना भी बाहर खाने से बचें, लेकिन कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब बाहर से कुछ लेकर खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाहर के खाने के ताज़ा होने की गारंटी नहीं होती है, जिस वजह से अगर इन्हें अक्सर खाने की ज़रूरत पड़ जाए तो फूड पॉइजनिंग की आशंका काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू उपाय जो तबीयत बिगड़ने पर नीचे बताए गए घरेलू उपाय आपको तुरंत राहत देने में मदद करेंगे। नंबर 1, नींबू का सेवन करें। नींबू में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण मौजूद होते हैं, इसीलिए इसे पीने से फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया मर जाते हैं। आप खाली पेट नींबू पानी बनाकर पी सकते हैं या चाहे तो गर्म पानी में नींबू निचोड़ें और पी जाएं। नंबर 2, सेब के सिरके का सेवन करें। सेब के सिरके में मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। खाली पेट इसका सेवन करने पर यह भी खराब बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। नंबर 3, तुलसी का सेवन करें। तुलसी में मौजूद रोगाणुरोधी गुण सूक्ष्म जीवों से लड़ते हैं। तुलसी का सेवन आप कई तरीकों से कर सकते हैं। एक कटोरी दही में तुलसी की पत्तियां, काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालकर खा सकते हैं। पानी व चाय में भी तुलसी की पत्तियां डालकर पी सकते हैं। नंबर 4, दही खाएं। दही एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, इसमें थोड़ा सा काला नमक डालकर इसे आप खा सकते हैं। नंबर 5, लहसुन खाएं। लहसुन में एंटी फंगल गुण होते हैं, आप सुबह खाली पेट लहसुन की कच्ची कलियां पानी के साथ खा सकते हैं, इससे भी राहत मिलेगी। ये तमाम नुस्खों से आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत में काफ़ी राहत मिलेगी। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल मेल बिहार को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।